कि भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं। उफ, अब जाके राहत मिली। जब भी वो गौतम से ये सवाल पूछते थे तो वो हमेशा मौन हो जाते, वो कुछ नहीं कहते। पहली बार उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, भगवान नहीं है। पूरी मंडली में खुशी की लहर फैल गई। ये जद्दोजहद कि भगवान है या नहीं अब खत्म हो गई। आत्मज्ञानी महापुरुष ने घोषित कर दिया है कि भगवान नहीं है। ये संदेश पूरे शहर में फैल गया। पूरे दिन जश्न मनाया गया, क्योंकि जरा इस आजादी की कल्पना कीजिए, भगवान न होने का मतलब है कि कोई भी ऊपर बैठकर ये हिसाब नहीं लिख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि वो आपको सजा दें या नर्क में जला सकें या कुछ और कर सकें। जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। तो पूरे दिन जश्न मनाए गए, हर कोई खुशी से झूम रहा था। शाम को एक बार फिर सभा बैठी थी। एक और आदमी आया, वो भी दूर पेड़ की आड़ में खड़ा है। यह आदमी एक चारवाक है। चारवाक यानी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं। ये चारवाक पूरी तरह से मटीरियलिस्ट होते हैं। ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते अपनी आंखों देखी के अलावा। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी छूट देती है। आप देखेंगे कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और भगवान के न होने का प्रचार करने वाले भी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी इजाजत देती है। बाकी जगहों में तो वो मारे जाएंगे। अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके न होने का। यही सच्ची डेमोक्रेसी है ना? ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है। लोग गांव में जाकर बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। पर ये एक एक्सपर्ट चारवाक है। आपका विश्वास चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, अगर आपने 10 मिनट उससे बात कर ली तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। हजारों लोगों को वो यकीन दिला चुका है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेह आ गया है। मान लो कि भगवान है, जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये सारे भक्तगण कहते हैं कि उनके पास टॉर्चर करने के लिए हर तरह के औजार हैं। क्योंकि मैं ये साबित करने में लगा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो शायद मुझे ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे। वो जानता है कि भगवान नहीं है। उसने हजारों लोगों को साबित किया है कि भगवान नहीं है। बस थोड़ा सा संदेह है। अब एक आत्मज्ञानी महापुरुष मौजूद हैं, वो पक्का करना चाहता है। तो वो शाम को आकर वहां खड़ा हो गया और उसने भी वही सवाल पूछा, क्या भगवान है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हाँ। एक बार फिर खलबली मच गई। सुबह उन्होंने कहा भगवान नहीं है, वो सभी बहुत खुश थे। शाम को वो कहते हैं भगवान है। तो गौतम, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीज है। You're in the same boat. You believe something that you do not know. आप ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तुम उस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो। अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। अगर चाहत पैदा होगी तो खोज शुरू होगी, और अगर खोज शुरू होगी तो जानने की संभावना भी होगी।